iPhone में मैं 3-4 दिनों से ये ROM यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही स्टेबल ROM है, बहुत ही स्मूथ है, बैटरी लाइफ भी डिसेंट मुझे लगा, एंड कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है इस ROM के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस POCO F1 से रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ पैनड्रॉइड एंड्रॉइड बिल्ड 3 एंड्रॉइड 10 बेस्ड कस्टम ROM का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये ROM देखने को मिल जाएगा। ये है लिंक ROM का, वेंडर का, कैसे ROM को फ्लैश करना है ये भी बताऊंगा। एंड गाइज यहाँ पे आपको चेंज लॉग भी देखने को मिल जाएगा। ये है ROM चेंजेस, एडेड कस्टम डोज, ओके, एडेड पावर हॉल ट्यूनेबल, यानी पावर को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्यून कर सकते हैं। इंटरैक्शन बूस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, अपडेटेड कैमरा स्टैक फॉर क्यू, ओके, और डुअल वॉल्टी वर्क्स परफेक्टली, डजंट रिक्वायर टॉगलिंग, यानी टॉगलिंग करने की जरूरत नहीं है, डुअल वॉल्टी वर्क करेगा। एंड गाइज साथ में एनएक्स कैमरा भी वर्क करेगा इस ROM के साथ। ROM बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्टेबल है, रिस्पॉन्सिव है, एंड परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है, बैटरी लाइफ भी मुझे डिसेंट लगा। एंड गाइज अगर इस ROM में आपको कुछ कमी लगेगी तो वो है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन आपको इस ROM में इतना देखने को नहीं मिलेगा। पबजी की बात करूँ तो मैंने HDR ग्राफिक्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट के साथ भी पबजी खेल कर देखा, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, और वैसे भी काफ़ी सर्दी है तो हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला, यानी गेमिंग के लिए भी ये ROM परफेक्ट है। म्यूजिक की बात करूँ तो स्पीकर में, हेडफोन में भी कोई इशू नहीं है, इनकॉल वॉल्यूम भी मुझे ओके लगा। मैं आपको स्पीकर का सैंपल सुना देता हूँ। मल्टीटास्किंग एंड रैम मैनेजमेंट की बात करो तो इस सेक्शन में भी ROM मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। एंड गाइस बेसिक सारे फंक्शंस लाइक ब्लूटूथ, जीपीएस, वाईफाई, इन कॉल वॉल्यूम, डेटा, कॉल्स में भी कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड गाइस मुझे अभी तक कोई नेटवर्क का इशू भी देखने को नहीं मिला इस ROM में। मेरा वाईफाई आप देख सकते हो इस एरिया में, बहुत सारे फ़ोन्स में वाईफाई कनेक्टिविटी काफ़ी पुअर मिलती है, लेकिन मैं इस ROM में आराम से यूट्यूब भी देख रहा हूँ एंड पबजी भी खेल पा रहा हूँ। गाइस अब मैं एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन जो है, मेरा डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड। आपको मैजिक मॉड्यूल एक फ्लैश करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फ्लैश करना है। ये मैंने मैजिक ओपन किया, ओके, एंड हैमबर्गर मेन्यू पे टैप करके डाउनलोड सेक्शन में जाना है, सर्च करना है सेफ्टी पैच। ये देखिए मैंने सेफ्टी लिखा आ गया, ये मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। इसके बाद रिबूट, प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड। चेंज लॉग में लिखा है एनएक्स कैमरा सपोर्ट करता है इस ROM में, तो चलिए मैं आपको एनएक्स कैमरा इंस्टॉल करके दिखाता हूँ ROM में। यह है एनएक्स कैमरा का ऑफिशियल वेबसाइट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और नीचे आपको सारे जो भी फंक्शंस अवेलेबल है एनएक्स कैमरा में वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे फंक्शंस आपको एनएक्स कैमरा यानी MIUI कैमरा में देखने को मिल जाएगा, लेकिन सारे फंक्शंस एंड्रॉयड 10 बेस्ड ROM में काम नहीं करता, ओके। एंड दो तरह का आपको डाउनलोड सेक्शन में कैमरा देखने को मिल जाएगा, एक फुल पैकेज और एक मिनिमल पैकेज। मिनिमल पैकेज में आपको ये सारे फंक्शंस देखने को नहीं मिलेगा, और फुल पैकेज में आपको ये सारे फंक्शंस देखने को तो मिल जाएगा लेकिन वो ज़्यादा बगी होगा। तो आपको कौन सा जमता है ये आप पे डिपेंड करेगा। मैं आपको डाउनलोड सेक्शन दिखा देता हूँ, ओके। डाउनलोड्स यहाँ पे दो लिंक आपको देखने को मिल रहा है, एक फुल वर्जन है, एक लाइट वर्जन है, ओके। फुल वर्जन पे मैंने टैप किया, देख सकती हो एनएक्स कैमरा यूनिटी 164:163, एंड नीचे आपको लाइट वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। प्लस बटन पे याद रखना, मॉड्यूल्स पे जाना है आपको, मॉड्यूल्स पे, उसके बाद प्लस बटन पे टैप किया, डाउनलोड्स। तो गाइस एनएक्स यूनिटी 163 इंस्टॉल हो चुका। तो गाइस आप देख सकते हो एनएक्स कैमरा इंस्टॉल हो चुका है, एंड आपको सारे यहाँ पे फंक्शंस देखने को मिल रहा है। व्लॉग भी ऐड कर दिया गया है, शॉर्ट वीडियो, स्लो मोशन, फोटो, बस पोर्ट्रेट काम नहीं करेगा, ओके। और अगर आप इसका कोई ऐड ऑन यानी फिक्स जिप भी फ्लैश करते हो, फिक्स मॉड्यूल भी फ्लैश करते हो, तब भी
ये काम नहीं करेगा। डोंट वरी, बहुत जल्द जब ऑफिशियली एंड्रॉइड 10 अवेलेबल हो जाएगा पोको F1 के लिए, तब हमें ANX कैमरा, एकदम बिल्कुल वर्किंग ANX कैमरा देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करूँ तो फेस अनलॉक अवेलेबल नहीं है, आपको पता ही होगा एंड्रॉइड 10 बेस्ड रॉम से इसे रिमूव कर दिया गया है। तो अब आपको ये सिक्योरिटी सेटिंग्स के अंदर जो स्मार्ट लॉक होता है उसके अंदर आपको अब देखने को नहीं मिलेगा फेस अनलॉक, लेकिन फिंगरप्रिंट परफेक्टली काम कर रहा है तो इससे आपका काम चल जाएगा। अब गाइस मैं आपको कुछ कस्टमाइजेशन एंड फीचर्स दिखा देता हूँ जो इस रॉम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये है स्टॉक लॉन्चर, पिक्सल लॉन्चर नहीं है, क्विक टॉगल्स, लिमिटेड क्विक टॉगल्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस कस्टम रॉम का एक बड़ा एडवांटेज ये भी है कि आपको प्री इंस्टॉल्ड जो एप्स होता है वो बहुत ही मिनिमल होता है, बहुत ही कम होता है, नो ब्लोटवेयर, आपके पास चॉइस होता है, फ्रीडम होता है आपको कौन सा ऐप आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना है। तो कुछ ऐप्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लग सकता है, मैसेजिंग, ईमेल, ऐप्स वगैरह के अलावा एब्स्ट्रैक्ट यानी वॉलपेपर ऐप, आपको इसमें कुछ कूल वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। ओके, एंड साथ में म्यूजिक प्लेयर, एक रेट्रो म्यूजिक प्लेयर, एंड गाइस पोको एक्स्ट्रा। तो गाइस चेंज लॉग में हमने पढ़ा था इंटरैक्शन बूस्ट के बारे में एंड थर्मल प्रोफाइल्स के बारे में। यहाँ पे आपको थर्मल प्रोफाइल्स में 6 प्रोफाइल देखने को मिल जाएगा, एक है डिफॉल्ट, उसके अलावा गेम परफॉर्मेंस, ब्राउजर, कैमरा, पबजी, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग प्रोफाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, और साथ में आप इंटरैक्शन बूस्ट को भी इनेबल कर देना, तो जहाँ पे आपको ज़रूरत है ज़्यादा पावर की वहाँ आपको ज़्यादा पावर मिलेगा। ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस जो है पहले से बेटर महसूस होगा अगर आप पबजी इनेबल करके गेम खेलोगे तो। मैं आपको बैटरी भी लेकर चलता हूँ, यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले में आपको कलर्स में बिल्कुल ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, एंड डिस्प्ले कटआउट हाइड कर सकते हो आप नॉच को, डार्क थीम, साथ में एक्सेंट कलर्स, आइकन शेप। तो गाइस ये कुछ लिमिटेड फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा इस रॉम में। अब गाइस इंस्टॉलेशन, आपको चाहिए रॉम, वेंडर, जी एप्स, मैजिस्क, 4 फाइल चाहिए और इस सीरियल में आपको इंस्टॉल करना है। पहले आपको रॉम फ्लैश करना है, फिर वेंडर, फिर जी एप्स, फिर मैजिस्क। तो गाइस सबसे पहले आपको वाइप में जाना है, एडवांस्ड, डेलविक, कैश, सिस्टम डेटा, ओके वाइप। अब आपको इंस्टॉल पे जाना है, उसके बाद आपने जहाँ पे सारे फाइल्स को रखा है, सबसे पहले रोम PA, ये फ्लैश, फिर विंडर, फ्लैश, ओपन जी एप्स, जी एप्स, फ्लैश, और फिर आप चाहो तो मैजिस्क भी फ्लैश कर सकते हो।